हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज आस्था। एंड हमारा आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। लाइक कुछ टाइम पहले मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड उसमें मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज़ पिंपल को हटाने के लिए कुछ उपाय बताइए। आपके फेस पर पिम्पल होता है तो आप उसको कैसे रिमूव करते हो? अभी रिसेंटली आपके फेस पर यहाँ पर एक पिम्पल था, आपने उसको कैसे रिमूव किया? एंड आपके फेस पर कोई स्पॉट भी नहीं है, प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। सो यस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप्स पिंपल रिमूवल ट्रीटमेंट, जो कि ना ही सिर्फ आपके पिंपल्स को अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा बल्कि साथ ही साथ उसके स्पॉट्स को भी हटाने में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि पिंपल्स तो हट जाते हैं बट उनके फेस पे स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये 3 स्टेप ट्रीटमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपकी स्किन ऑल क्लियर नजर आएगी। सो यस, विदाउट नो मोर किटपिट, लेट्स चेक आउट द वीडियो। बट मूव ऑन करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप जो कि होने वाला है सप्रेसिंग। अब इसके लिए आपको बहुत आसान सा काम करना है, आपको अपने फ्रिज में से कुछ आइस क्यूब्स ले लेने हैं और आपको इनको हैंकी या कोई भी कॉटन के कपड़े में रख के बांध लेना है और उसके बाद से आपको इसको अपने पिंपल वाले एरिया पे हल्का हल्का सा टच कराना है, हल्का हल्का सा उसको दबाना है। प्लीज़ मेक श्योर वन थिंग, बहुत ज़्यादा मत दबा दीजिएगा, हल्का हल्का सा उसको लाइक यू कैन से सेकना है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ आपके पिंपल्स की स्वेलिंग कम होगी, आपके पिंपल्स का साइज रिड्यूस होगा, बल्कि साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पे उस एरिया में पेन हो रहा है तो ये उसको भी रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड ये आपके पिंपल की साइज को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देगा और इस स्टेप को आपको करना है कम से कम 6 से 7 मिनट तक, ताकि ये रेमेडी आपके फेस पे अच्छी तरीके से काम करे। उसके बाद से हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप तो वो होने वाला है स्पॉट ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। सबसे पहले चीज़ कि अगर आपके पास टी ट्री ऑयल या ग्रीन टी ऑयल प्रेजेंट है तो आपको उसका एक ड्रॉप लेके अपने फिंगर से अपने पिंपल वाले एरिया पे लगा लेना है अच्छी तरीके से। और इन केस अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, डोंट वरी, आई हैव अ अल्टरनेटिव। आपको ले लेना है थोड़ा सा हनी यानी कि शहद और उसमें आपको मिक्स करनी है पिंच ऑफ टर्मरिक। अब टर्मरिक यहाँ पे किचन वाली मत यूज़ करिएगा, वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करिएगा। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वाली करिए, इफ़ अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक अवेलेबल है तो प्लीज़ उसी का यूज़ करिए। पिंच ऑफ टर्मरिक आपको उस हनी में ऐड करनी है, आप चाहो तो नॉर्मल अपने हाथ पे उसको मिक्स, दोनों को मिक्स कर सकते हो। और उसके बाद से आपको इसको अपने पिंपल वाले एरिया पे लगा के छोड़ देना है फॉर 15 to 20 मिनट्स और उसके बाद से आपको अपना वो एरिया अच्छे से वॉश कर लेना है या अच्छे से पोंछ लेना है। अब इससे क्या होगा कि टर्मरिक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपका आपके पिंपल के साइड में जो भी बैक्टीरिया जो भी जर्म्स है वो सारे मर जाएंगे और आपका एक पिंपल से जो 4 पिंपल्स होने वाली प्रॉब्लम रहती थी वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थर्ड स्टेप इज़ हीलिंग और स्पॉट ट्रीटमेंट। अब इस स्टेप में हम आपके पिंपल्स पे जो बचे हुए स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए कुछ रेमेडीज़ करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल। आप चाहो तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल यानी कि आप पैक्ड एलोवेरा जेल ले सकते हो। इनकेस अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप चाहो तो अपने हैंड्स पे निकाल सकते हो, ले लेना है और उसके बाद से इसमें ऐड करना है आपको 1 से 2 मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्ती का रस। आपको वो पत्तियाँ अच्छे से वॉश कर लेनी है और उसके बाद से उसको अपने हाथ से निचोड़ के उसका जूस निकाल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, प्रॉपरली मिक्स कर लेना है और उसके बाद से आपको इसको अपने पिंपल वाले एरिया पर लगा के ऑलमोस्ट रात भर के लिए छोड़ देना है और जब आप मॉर्निंग में उठें तो आपको इसको वॉश कर लेना है। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 स्टेप्स कम से कम 3 से 4 दिन तक रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम कम से कम 70 to 80% तक कम हो जाएगी, प्लस आपको आपका फेस क्लीन और क्लियर नज़र आएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पिंपल्स के लिए कभी भी मार्केट के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट मत यूज़ करिए, अलग अलग क्रीम्स आती हैं, डोंट ट्राई दैट। नेचुरल रेमेडीज़ आपके स्किन पर जितने अच्छे काम करेंगे उतने अच्छे मार्केट वाले प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे। सो यस गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।